और सलाम को भेजा भी जा सकता है, क्योंकि इसके ताल्लुक से मिलता है सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 6259 कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने जो आयशा रजीना ताला अन्हा से कहा कि आयशा जिब्रील आए हैं और तुमको सलाम कह रहे हैं, क्योंकि जिब्रील को आयशा रजीना ताला नहीं देख पा रही लेकिन वो कह रहे हैं, सुन भी नहीं पा रही, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये तुमको सलाम कह रहे हैं। तो कोई सलाम भेजे तो उसका जवाब वैसा नहीं होगा कि इन्होंने सलाम भेजा तो वालेकुम अस्सलाम, वैसा नहीं होता। अगर कोई सलाम भेजेगा तो उसके नाम वाले का वाले ही सलाम, वाले का वाले ही सलाम, ये कि कोई आपसे कहे कि यार फलां जो है अब्दुल रजाक साहब ने आपको सलाम भेजा है, तो आप कहेंगे वाले का वाले ही सलाम, कि साहब पर भी सलामती हो और जिसने मुझ पर भेजा उस पर भी सलामती हो, कि लाने वाले पर भी सलामती। तो ये कितना बेहतरीन इस्लाम है, उसको भी नहीं छोड़ता अजर से कि लाया तो उसकी मेहनत, अब कोई के वजन तो नहीं था उसके अंदर कि तोक के लाया भाई सलाम, बहुत भारी था कार्टून में भर के लाया, लेकिन उसका लेके आया वो उसने याद रखा आपको दिया सलाम, उस पर ही आपको निकी मिलती है।